नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास की। इसमें हम जानेंगे बाल विकास को, साथ ही साथ अवक्षेत्र जो डोमेन्स होते हैं, यानी कि जो क्षेत्र होते हैं उनको जानेंगे, और साथ ही साथ बाल विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसको विस्तृत रूप से लेकर चलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आगे चलकर कंप्लीट भी करने वाले हैं। यदि आप लोगों का सहयोग निरंतर बना रहा तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बाल विकास की। तो दोस्तों, बाल विकास जो है, जब बालक गर्भावस्था में आता है, यानी गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है, तो बाल विकास में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है अभिवृद्धि और दूसरी चीज़ होती है विकास। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास का क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें, जब बाल विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे तब उनमें जानेंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उसके विषय में। तो दोस्तों, बाल विकास को बेसिक से लेकर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है अभिवृद्धि और दूसरी चीज़ दोस्तों आती है विकास। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान के जो शब्द होते हैं, यदि आप उनको जान गए, उनका अर्थ आप जान गए, तो जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे वो सी टेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, किसी भी शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान का सिलेबस अगर रहा हो, यदि आप शब्दों को जान गए तो निश्चित रूप से आप उसको आसानी से वहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि की। हमने जाना कि बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास दो चीज़ें होती हैं। अभिवृद्धि क्या होती है, तो दोस्तों अभिवृद्धि की अगर बात करें तो अभिवृद्धि मात्रात्मक रूप में होती है। मात्रात्मक कैसे, जैसे मान लो कोई चीज़ छोटी है, अब उसमें वृद्धि हो रही है तो धीरे धीरे वो चीज़ बड़ी हो रही है, यानी कि उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अगर बाल विकास की बात करें, अगर बालकों को लें, तो अभिवृद्धि को हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और यह होती है शारीरिक रूप में या कायिक रूप में आप कह सकते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि शरीर में जो परिवर्तन होता है, यानी धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसके शरीर में एक प्रकार की वृद्धि देखी जा सकती है, यानी वो छोटा था फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, यानी कि उसमें मात्रात्मक वृद्धि देखने को मिली शारीरिक रूप में। वृद्धि में जब वृद्धि देखने को मिली तो निश्चित रूप से वृद्धि में बदलाव होगा, यानी कि छोटा था तो उसके जितने भी अंग थे उसके छोटे थे, फिर धीरे धीरे वो अंग भी साथ में बढ़ने लगते हैं, इसको बोलते हैं वृद्धि में बदलाव। तो अभिवृद्धि आप लोग समझ गए होंगे कि मात्रात्मक होती है, यानी छोटे से बड़े में जो है तब्दील होती है, शारीरिक रूप में होती है, और वृद्धि में बदलाव होता है। अब दोस्तों बात करते हैं विकास की। यदि आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं विकास की। तो दोस्तों विकास की अगर बात करें तो विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें जो हैं विकास में आती हैं, और साथ ही साथ जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास हैं वो भी विकास में सम्मिलित हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो निश्चित रूप से विकास अभिवृद्धि को निश्चित रूप से अपने में समाहित करता है। तो दोस्तों अगर बात करें मात्रात्मकता की और गुणात्मकता की, तो दोस्तों बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी जो मात्रात्मक गुणात्मक वैल्यू होती है, या उसका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है वो बढ़ने लगती है, यानी वो उसके अंदर जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे गुणों का विकास होने लगता है, यानी पहले धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है, बोलना सीखता है, शब्दों को सीखता है, फिर उन शब्दों का प्रयोग करना सीखता है, फिर धीरे धीरे उन शब्दों को जो है समाज में प्रयोग करना सीखता है। तो दोस्तों विकास के अंदर जो है मात्रात्मक और गुणात्मक
आप कह सकते हैं जो शारीरिक विकास होता है वो तो होता ही है, साथ में साथ में उसका बच्चे का बालक का मानसिक विकास भी होता है। और जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस सामाजिक संरचना में रहता है, साथ ही साथ उस सामाजिक संरचना में उसका विकास होता है, वो समाज के साथ उस वातावरण के साथ वैसे ही ढल जाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक विकास भी उस बच्चे का होता है, निश्चित रूप से वो चीज़ों को समझने लगता है कि, और जब धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से वो अंतर समझने लगता है। और अगर मनोवैज्ञानिकता की बात करें, मनोवैज्ञानिक विकास की बात करें, तो निश्चित रूप से वो अपने जो संस्कार होते हैं उसके परिवार में उनको समझने लगता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि जो है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आ जाता है, विकास अभिवृद्धि को समाहित करता है या नहीं करता है। तो निश्चित रूप से विकास जो है अभिवृद्धि को अपने अंदर समाहित करता है। अभिवृद्धि में गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों होती हैं, ठीक है। मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है, गुणों में भी बढ़ोतरी होती है। कौन से गुण होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। दोस्तों अब इसके क्षेत्र जान लेते हैं, इसके अवक्षेत्र क्या क्या हैं, विकास के अवक्षेत्र। तो दोस्तों विकास की हम बात कर रहे हैं और विकास के ही अवक्षेत्र जानेंगे। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से बाल विकास जो है आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है, इसको एक समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो शारीरिक विकास, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और जान जाएंगे, बाल विकास का जो बेसिक्स है उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों अवक्षेत्रों की बात करें तो पहला जो अवक्षेत्र है वो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास सीधी सी बात है, उसमें कायिक विकास आपका होता है, यानी धीरे धीरे बालक बड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक विकास होता है, इसको आप समझ ही गए होंगे। कायिक जो शारीरिक विकास है वो निश्चित रूप से, वो जब बालक का जब शारीरिक विकास होता है तो उसके अंदर कौन सा विकास दूसरा होता है? गामक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। जब शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है तो बालक जो है शारीरिक नियंत्रण सीख लेता है और गतिशीलता सीख लेता है, यानी कि उसके शरीर के अंदर जो है गतिशीलता आ जाती है, कार्य करने की जो है क्षमता बढ़ जाती है उसकी, और शारीरिक नियंत्रण भी वो सीख लेता है, उसको क्या बोलते हैं? गामक विकास। ये विकास स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अगर मानसिक विकास की बात करें तो धीरे धीरे शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का जो है मानसिक विकास भी होता है और मस्तिष्क उसका कार्य करने लगता है, जिसे मानसिक विकास कहते हैं। यानी कि शारीरिक जो नियंत्रण होता है या शारीरिक जो गतिशीलता होती है, जो मोटर डेवलपमेंट होता है, वो निश्चित रूप से मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और मस्तिष्क जो है उसी दिशा में कार्य करने लगता है। अब दोस्तों अगला विकास है संज्ञानात्मक विकास, जो आप कह सकते हैं ये भी एक मानसिक विकास से जुड़ा हुआ विकास है। इसमें क्या होता है? इस संज्ञानात्मक विकास में जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो बालक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी वो गामक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ इस चीज़ का भी संज्ञान लेने लगता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला दोस्तों है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास की बात करें तो जो संज्ञान की क्षमता होती है, ये संज्ञान कह लीजिए या मानसिक क्षमता कह लीजिए, उसकी जो कार्य करने की दर है वो तीव्र हो जाती है बौद्धिक विकास में। तो तीव्रता के साथ जो है निर्णय लेने लगता है, यानी संज्ञान और मानसिक क्षमता में जो है उसकी कार्य करने की दर में तीव्रता आ जाती है। तो ये होता है बौद्धिक विकास। फिर दोस्तों अगला विकास है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास जो है ये साथ ही साथ चलता है, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, जिस समाज में रहता है, जहाँ की उसकी भौतिक संरचना है, जहाँ के उसके संस्कार हैं, वो निश्चित रूप से सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपकी सामाजिक प्रवृत्ति हो गई, और साथ ही साथ बच्चा जब समाज के साथ सामंजस्य बनाने लगता है तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास होने लगता है, क्योंकि अरस्तु ने कहा ही है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों समाज के साथ सामंजस्य बनाना और सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने आप को ढालना सामाजिक विकास कहलाता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नैतिक विकास की। ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो सामाजिक विकास के साथ साथ चलती है। मैंने स्टेप
बाई स्टेप जो प्रमुख विकास हैं बच्चे के उनके विषय में चर्चा की है। तो ये नैतिक विकास होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है अपने संज्ञान के माध्यम से, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से समाज में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही गलत की पहचान कैसे होती है, अच्छाई बुराई की पहचान कैसे होती है, और जो उसके संवेग होते हैं, जो उसके भाव होते हैं, निश्चित उन संवेगों में निश्चित रूप से एक संतुलन होता है जिससे क्या कहते हैं उसके मूल्यों का विकास होता है और वो निश्चित रूप से नैतिक विकास को पा लेता है। नैतिक विकास जो है वो निश्चित रूप से सामाजिक विकास की ही एक कड़ी है, लेकिन नैतिक विकास में बालक जो है सही गलत की पहचान, अच्छाई बुराई की पहचान, अपने संवेगों में संतुलन और मूल्यों का विकास इस नैतिक विकास के अंतर्गत होता है। जो संस्कार उसके परिवार से और समाज से मिले होते हैं वो निश्चित रूप से नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अगर विकास की अवधारणा की बात करें तो विकास को माना गया है कि अनुवांशिकता इनटू वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी और एनवायरमेंटल, यानी विकास जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण का एक समन्वय है, एक सामंजस्य है, ठीक है। और इसकी संकल्पना की अगर बात करें तो विकास को अनुवांशिकता और वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने की जो संकल्पना दी थी वो दी थी कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन के साथ साथ अगर बात करें तो हरलाक ने भी जो है यही माना है, और साथ ही साथ हैदी केलर भी जो मनोवैज्ञानिक थे वो भी यही मानते थे कि विकास जो है अनुवांशिकता वातावरण का सामंजस्य है। अब दोस्तों बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो अनुवांशिकता को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, मैं भी आपको बताऊँगा। अनुवांशिकता जो होती है यानी हेरिडिटी जो होती है, जो वो माता पिता द्वारा जो है अपनी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, कैसे, जीन के माध्यम से, जीन के माध्यम से और क्रोमोसोम्स की सहायता से। अब क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी यानी कि टोटल की बात करी जाए तो 46 होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है, यानी कि जहाँ पर XX होते हैं गुणसूत्र, जो XX जोड़ी तो वहाँ पे जो है स्त्री, और एक्स और वाई जहाँ पर होते हैं वहाँ पे पुरुष, ठीक है। तो जो 23वां जोड़ा है वो लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं या कौन सा जोड़ा स्त्री पुरुष जो है निर्धारित करता है ऐसा। और अनुवांशिकता के साथ साथ हम अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक भौतिक परिवेश होता है, एक सामाजिक संरचना होती है। तो भौतिक संरचना की बात करें तो जैसे भौतिक संरचना की आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत की संस्कृति है वो अन्य देशों की अपेक्षा जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है। तो जो आपकी भौतिक संरचना होती है, जो आपका वातावरण होता है, निश्चित रूप से उससे संस्कृति का विकास होता है, उससे जो है संस्कार का विकास होता है। और साथ ही साथ अगर सामाजिकता की बात करें तो जिस समाज में आप रहते हैं, आसपास के वातावरण में जो परिवेश होता है, वहीं से जो है एक संरचना व मूल्य, या आप कह दीजिए नैतिक विकास, यानी सामाजिक विकास के साथ नैतिक विकास की एक संकल्पना बनती है। तो वातावरण में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक भौतिक संरचना जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके, मतलब आप ये कह लीजिए सामाजिक संरचना जो आसपास का समाज है, भौतिक संरचना की बात करें तो एक भौगोलिक स्थिति आ जाती है, यानी आप एक दूर तक का पूरा ले सकते हैं इसमें। तो वातावरण और अनुवांशिकता दो चीज़ें आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्मल तरीके से अनुवांशिकता के नियमों की बात करें तो इसमें जो है दो तीन नियम हैं, इनको आप ऐसे जान लीजिए क्योंकि बाल विकास आप पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। विभेदन का नियम, विभेदन क्या होता है कि नहीं दो संततियों या संतानों की अनुवांशिकता समान नहीं होती है। निश्चित रूप से एक ही माता पिता की दो संतानें समान, उनकी अनुवांशिकता जो है समान नहीं होती है, ये कहा गया है विभेदन के नियम में। प्रतिगमन का नियम भी है, ये भी पूछ लेता है, जैसे बता दिया कि विभेदन के नियम में क्या है, चार ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो संतानों की अनुवांशिकता है वो समान नहीं होगी। प्रतिगमन का क्या नियम है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होंगे वो बढ़ेंगे,
यदि वो बीच की पीढ़ी में नहीं आते हैं, यानी जो दादा में गुण हैं वो पिता में नहीं आते हैं, तो पौत्र में जरूर होंगे। वैसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आते ही हैं, तो ये प्रतिगमन का नियम हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं युग्मज का नियम। तो दोस्तों युग्मज की बात करें तो युग्मज दो प्रकार के होते हैं, एक होमोलॉगस होता है और एक होता है एनालॉगस, यानी कि समयुग्मज और विषम युग्मज। अब होमोलॉगस को समझ लीजिए। होमोलॉगस में एक जायगोट बनता है, ओनली वन, एक जायगोट बनता है, और दोस्तों वो उस एक जायगोट से जो है दो संततियों का निर्माण होता है, और इसमें निश्चित रूप से जो जीन्स होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पुत्र होंगे तो दोनों पुत्र होंगे, अगर पुत्रियां होंगी तो दोनों ही पुत्रियां होंगी। ये होता है होमोलोगस, और इसे भ्राता युग्मज भी कहते हैं। अब एनालोगस की बात करें तो ये विषम युग्मज या भिन्न युग्मज के नाम से जाना जाता है। इसमें दो जायगोट होते हैं और वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, यानी असमान जीन हो सकते हैं। लड़का हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, लड़का लड़का हो सकता है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो दोस्तों होमोलोगस और एनालोगस भी आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही साथ अगर विकास की बात करें तो उसमें आप अनुवांशिकता आगे पढ़ते जाएंगे, मेंडल वगैरह के नियम आगे हैं, उनका पृथक्करण का नियम है, प्रभाव का नियम है, तो निश्चित रूप से मेंडल के नियम हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जितना आपके सिलेबस में है उतना मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जब बात करेंगे तो मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास को साथ में लेके चलेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने प्यार दिया तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान में एक भी नंबर आपका जाया नहीं होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।